कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फोन पे में रेफर करके आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। गाइस, अगर आप लोग भी फोन पे से रेफर करके आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आप लोग को फोन पे में रेफर करने का प्रोसेस नहीं पता है कि आप लोग फोन पे में रेफर करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो फिर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि फोन पे में रेफर करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फोन पे की, तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को मिलेगा यहाँ पे रेफर एंड अर्न 150। तो यहाँ पे आप लोग को रेफर एंड अर्न पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है रेफर करते हैं किसी फ्रेंड को, तो यहाँ पे 150 रुपये आप लोग को कैशबैक मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले यहाँ पे 100 रुपये का कैशबैक मिलता था रेफर करके, लेकिन अब यहाँ पे प्रेजेंट में 150 यहाँ पे फ़ोनपे ने कर दिया है। अगर आप लोग किसी को रेफर करते हैं तो 150 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। तो चलिए इसकी जो टर्म और कंडीशन जान लेते हैं और कैसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है कैशबैक मिलेगा वो मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप लोगों को मिलता है रेफर एंड अर्न। यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ पे बोल रहा है अर्न 150। तो यहाँ पे आप लोग को जो है शेयर करने के ऑप्शन मिल जाते हैं व्हाट्सअप फेसबुक। आप लोग व्हाट्सअप को जो है सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सअप को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का जिसको आप लोग सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। तो मैं इस फ़ोन का जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मोनू टी और येरा अकाउंट, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन पे की जो लिंक है वो यहाँ पे सेंड कर दी गई है। अब इस फ़ोन में मुझे यहाँ पे एक जो है मैसेज आ चुकी होगी, तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप एक बार ओपन करूँगा। यहाँ पे ये रहा व्हाट्सअप, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारी मैसेज आ चुकी है और ये रही लिंक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन एक ये है, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को जो है रेफर करते हैं तो यहाँ पे आपका फ्रेंड ये वाली जो फ़ोनपे की एप्लीकेशन है वो आपके लिंक से ही डाउनलोड करनी चाहिए और इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अदर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेगा तो यहाँ पे आप लोग को कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग को जो टर्म कंडीशन मिली है वो अगर एग्री हो जाती है, अगर आप लोग के लिंक से ये आपका फ्रेंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है तो यहाँ पे आप लोग को जो है कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लोग का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और नॉर्मली आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल होने तक मैं आप लोगों को एक यहाँ पे जो इसकी टर्म कंडीशन है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जाता हूँ वापस से फ़ोन पे पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेफर एंड अर्न पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इस पे मैं एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट इनवाइट एंड अर्न, तो यहाँ पे ये बोल रहा है व्हाट इज़ द ऑफर। तो यहाँ पे आप लोग इसके बारे में सारा कुछ पढ़ लीजिए। तो ये बोल रहा है रेफर विल बी रिसीव 150 कैशबैक व्हेन द रेफरड यूज़र डज देयर फर्स्ट पेमेंट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं और आपका फ्रेंड आपके लिंक से जो है डाउनलोड करता है एप्लीकेशन और वो UPI के थ्रू पेमेंट करता है, चाहे वो 1 रुपये का हो या 2 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, फर्स्ट जो है यहाँ पे कोई भी मनी को ट्रांसफ़र करता है किसी को, तो यहाँ 150 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा आपके वॉलेट में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कटाम और कंडीशन वो आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेना होगा, रीड कर लेना होगा और उसी तरीके से आप लोग को सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फोन में हमारी जो फ़ोनपे की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड यहाँ पे हो चुकी है। और एक बार इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो है मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग डालिए जो मोबाइल नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट में लिंक हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर और इसके बाद प्रोसेड के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, अलाउ करके इसको परमिशन दे देंगे और इसके बाद आपके नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट करूँगा। तो यहाँ पे OTP वेरीफाई हो चुकी है, अलाउ करके मैं इसको परमिशन दे दूँगा और इसको भी अलाउ करूँगा। अब ये देख सकते हैं सिलेक्ट सिटी और ये बोल रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड योर बैंक अकाउंट टू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। तो यहाँ पे मैं ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करूँगा एक बार।
गाइस अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और बाकी का यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यस बैंक है हमारी। और ये आप लोग का जो भी सिम कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आइडिया को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये मैसेज एक सेंड की जाएगी आपके नंबर पर। तो यहाँ पर आप लोग का जिसका कुछ चार्ज लगेगा यहाँ पर, और ये देख सकते हैं ओके पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और ये देख सकते हैं फाइंडिंग अकाउंट लिंक विद, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो UPI है यहाँ पे वो आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे प्रोसेस टू ऐड पे आप लोग क्लिक कर दीजिए एक बार। और ये देख सकते हैं तो ये हमारा जो UPI है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और ये रीसेट पिन है, अगर आप लोग अपना पिन भूल जाते हैं तो ये रीसेट पिन है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग अपना डेबिट कार्ड का जो डिजिट है और वो डालेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे वैलिड आप लोग की एक्सपायर डेट होती है डेबिट कार्ड की, वो डालेंगे और यहाँ पे आप लोग अपना एक UPI पिन बना लेंगे। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको डन कर दूँगा। अब गाइस यहाँ पर इतना काम हो चुका है, अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को इसका जो अकाउंट है वो आप लोग का रेडी यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगा देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा, अलाउ करूँगा और गैलरी से मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो यहाँ पे लगा देता हूँ, तो कर दूँगा यहाँ पे और ये फ़ोटो मेरा अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस यहाँ पे आप लोग का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये बोल रहा है प्लीज़ कम्प्लीट योर KYC, तो आप लोग को अपनी KYC कम्प्लीट करनी होगी। गाइस मैंने यहाँ पे जो है KYC कर ली है और इस पर मैं आप लोग को जो है कैशबैक लेके दिखाऊँगा लाइव बिल्कुल, तो कैसे लूँगा वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मिलता है यहाँ पे ट्रांसफर मनी, तो यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है टू अकाउंट। सो गाइस यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है टू अकाउंट, तो आप लोग को टू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे ये बैंक अकाउंट मिल रहा है आप लोग को, बैंक अकाउंट UPI ID, तो यहाँ पे आप लोग जिससे यहाँ पे जो है मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं बैंक अकाउंट के थ्रू करूँगा, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मिल रहा है एड रिसिप्ट बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है बैंक मिल जाएंगे, आप लोग जिसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टेट, तो आप लोग जिसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना जा रहे हैं तो उसका अकाउंट नंबर आप लोग और बैंक का नाम आप लोग फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब अकाउंट नंबर डालना होगा और फिर से आप लोग को कंफर्म अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा। और ये बोल रहा है आप लोग को यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम और फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है, निक नेम ऑप्शनल है, तो ये मैं सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, ये IFSC कोड नॉट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैं होल्डर नेम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये आप लोग को कंफर्म का बटन मिलता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जितना अमाउंट सेंड करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 रुपये टाइप करूँगा और यहाँ पे मतलब 10 रुपये टाइप कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं 10 रुपये टाइप करूँगा। और ये हमारी जो बैंक आ जाएगी यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर मैं डन करूँगा इसको। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, बाकी का यहाँ सेंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग का जो UPI पिन है वो डाल दीजिए, राइट पे क्लिक कीजिए और ये पेमेंट प्रोसेसिंग होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 10 रुपये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ इसको, डन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, 0 दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन का काम ख़त्म, जो फ़ोनपे एप्लीकेशन है इस वाले फ़ोन में यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा और एक बार देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे 150 रुपये का कैशबैक मिला है या नहीं मिला है। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे रिप्रेस कर लेता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड से मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ। और तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे की एप्लीकेशन फाइंड करता हूँ, कहाँ है फ़ोनपे की एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये रही फ़ोनपे की एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना पासकोड डालूँगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगा बैंक बैलेंस और यहाँ पे मिलेगा वॉलेट टॉपअप। तो ये आप लोग को वॉलेट टॉपअप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 150 रुपये, देख सकते हैं यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे हमारे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं, ये मुझे कैशबैक यहाँ पे मिल चुका है। गाइज ये एकदम रियल है यहाँ पे और मुझे तुरंत ही यहाँ पे कैशबैक मिला है यहाँ पे। अगर आप लोग को कैशबैक नहीं मिलता है तो 24 घंटे तक का आप लोग को वेट करना होगा, नहीं तो आप लोग को तुरंत का तुरंत कैशबैक मिल जाएगा। अभी प्रूफ के लिए मैं आप लोग को एक बार और दिखाई देता हूँ हिस्ट्री पे जाके, और हिस्ट्री पे जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं कैशबैक फॉर्म
फोन पे 150 रुपये क्रेडिट। तो यहाँ पे 5 मिनट एगो, तो 5 मिनट पहले मुझे क्रेडिट मिल चुका है यहाँ पे 150 रुपये का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब आप लोग को यहाँ पे यकीन हो गया है कि यहाँ पे 150 रुपये का कैशबैक मिल चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग फोन पे रेफर करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि फोन पे में रेफर करके आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को फोन पे में रेफर करके पैसे कमाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।